चैनल माइसेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस आज हम लोग स्टडी नोट नंबर 2 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एसपीएम बीबीए का सब्जेक्ट है उसका डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले। इसकी क्लास 1 मैंने अपलोड कर चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जाओ ना यार देखो और अपनी दोस्तों की मदद करो शेयर करके, ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हमने बैलेंस स्कोर कार्ड मैंने आपको बता दिया था, अब मैं आपको बेंचमार्किंग बताने वाली हूँ आज की क्लास में, ठीक है? शो सम एक्साइटमेंट यार, क्या ऐसे लेजी लेजी बैठे हो। तो चलो बेंचमार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है, अपने लिए टारगेट सेट करना, उसी को बेंचमार्किंग बोलते हैं। मतलब जो बेंचमार्किंग होती है ना उसमें ना अपन एक स्टेज को अपन ऐसे सोच लेते कि यार यहाँ तक तो जाना ही है करके, ठीक है? तो उसी को बेंचमार्किंग बोलते हैं। जैसे कि आपकी एकदम मस्त वाला एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि आपको क्या करना है सीएमए करना है, तो जैसे कि मैं फाइनल में हूँ तो मैं अपना बेंचमार्किंग बताती हूँ। मेरा बेंचमार्क है कि मेरे को ना ऑल इंडिया रैंक लाने का सपना है, ठीक है? तो मैं लाना चाहती हूँ ऑल इंडिया रैंक, तो वो मेरा बेंचमार्क है, ठीक है? मैंने खुद के लिए वो सेट किया है, ठीक है? तो अपन टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग अपन देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी टाइप की बेंचमार्किंग होती है। देखो यार बेंचमार्किंग ना अपन खुद से भी कर सकते हैं और लोगों के साथ भी कर सकते हैं, सर जरूरी नहीं है कि खुद से ही करें, अलग अलग टाइप की होती है, मैं आगे बताऊंगी। जैसे प्रोडक्ट होती है, कॉम्पिटिटिव होती है, प्रोसेस होती है, इंटरनल बिजनेस होती है, फिर स्ट्रेटेजिक होती है और ग्लोबल होती है। इनके अंदर अंदर का मैं भी आपको बताती हूँ। देखो जैसे प्रोडक्ट बेंचमार्किंग क्या होती है कि अपन ना अपना अपने प्रोडक्ट से बेंचमार्किंग करते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट से कंपैरिजन करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो, मतलब समझ लो कि आप अपने सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव से अपने आप को कंपेयर करते हो। जैसे कि समझ लो कि कोई बिजनेस है, बिजनेस ए है जो कि अभी उसका रेटिंग है 4 स्टार, ठीक है? और जो बिजनेस बी है उसका रेटिंग है 5 स्टार। तो जो बिजनेस ए वाला रहेगा ना उसका बेंचमार्क हमेशा बिजनेस ए, मतलब जो बिजनेस बी वाला रहेगा ना उसका बेंचमार्क हमेशा ए रहेगा कि यार मेरे को ए जैसे बनना है, मेरे को ए जैसे बनना है। तो वो अपने प्रोडक्ट को जब कंपेयर करता है तो वो होता है प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, ठीक है? जैसे कि आपको मैं आपके एग्जाम्पल दे देती हूँ ना, फिर आपको जल्दी समझ में आ जाता है। तो आपका एग्जाम्पल ये होगा कि आप देखोगे, जैसे कि अपन उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोन तो सबके पास होते हैं, ठीक है? तो जो सैमसंग वाला है वो सोचेगा एप्पल वाले में अच्छा क्या मिला के देता है यार कि सब लोग एप्पल 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 करते रहते हैं। तो जो सैमसंग वाला है वो प्रोडक्ट बेंचमार्किंग कर रहा है, समझ में आया? अब कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग होती है। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग ऐसे होती है कि अपन ना अपने कॉम्पिटिटर से बेंचमार्किंग करते हैं, मतलब जो हमारा कॉम्पिटिटर है ना हम उसके साथ करेंगे बेंचमार्किंग, अपन ना वो ऐसे उसमें सबको इंक्लूड होता है। जैसे कि इसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आरएनडी, ये सब लोग मिलके एक साथ कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग करते हैं, ठीक है? जैसे कि ना इसमें अपन ना मतलब कह सकते हैं कि इसमें ना अपन पैसे या फिर अपन ना उसमें नहीं देखते, प्रोडक्ट में ज़्यादा नहीं देखते, मतलब अपन देखते कि इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं, ठीक है? ये अपनी दुकान में कौन सी लाइट लगा के रखा है, ऐसा क्यों होता है कि इसकी दुकान में हमेशा भीड़ रहती है, आखिर क्या खिलाता है अपने कस्टमर्स को जब इनकी शॉप में आते हैं, ठीक है? तो ये कॉम्पिटिटिव बेंचमार्क होती है, मतलब ये पैसों से ऊपर उठ के जो चीज़ें करते हैं उसको वो देखते हैं। अब प्रोसेस बेंचमार्किंग, मतलब आखिर ये मिलाता क्या यार खाने में जो इतना टेस्टी बनता है। प्रोसेस बेंचमार्किंग, जैसे कि मैं इसको एकदम अपना एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि देखो मेरी मम्मा का हाथ का खाना बहुत टेस्टी बनता है, सो यम्मी, ठीक है? मैं बनाती तो ठीक ठाक बन जाता है, ठीक है? तो मैं हमेशा ना प्रोसेस बेंचमार्किंग करते रहते क्या कि मम्मा मिलाती क्या इसमें, आखिर कौन से टाइम पे कौन से मसाले डालती है, आखिर उनका गैस कब आंच क्या रहता है। तो मैं प्रोसेस बेंचमार्किंग करते रहती हूँ कि यार मेरे को उनके जैसा टेस्टी खाना बनाना है, तो ये मेरा प्रोसेस बेंचमार्किंग हो गया। अब अपन चलते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग में। तो इंटरनल बेंचमार्किंग ये होता है कि ना अपन अपने ही प्रोडक्ट में, समझ लो कि मैं 2 प्रोडक्ट बनाती हूँ तो मैं अपने ही प्रोडक्ट्स में उसको कंपैरिजन करते रहूँगी। जैसे कि मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, एसपीएम बीवी और मैं कॉस्टर्ड पढ़ाती हूँ, तो मैं उन दोनों सब्जेक्ट में कंपेयर करते रहती हूँ कि यार ये वाला मैं अच्छा पढ़ाती हूँ या मैं ये वाला अच्छा पढ़ाती हूँ, तो मैं खुद के साथ खुद को कंपेयर करती हूँ, ठीक है? फिर स्ट्रेटेजिक बेंचमार्क हो गया। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्क में ना अपन क्या करते हैं कि अपन ना स्ट्रेटेजी तरीके से अपन देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं कि यार हमारी हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है? हमारी वीकनेसेस क्या है और उसके अकॉर्डिंगली अपन बेंचमार्क करते हैं, ठीक है? मतलब ये ना अपना थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। हमारी कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है जो एकदम स्ट्रेंथ हो हमारा, जैसे कि अपन जब बेंचमार्किंग करते हैं तो अपन को अपनी स्ट्रेंथ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है? तो जैसे इसमें अपन ये देखते हैं कि यार आगे 10 साल बाद हम कहाँ रहेंगे, मतलब अपन आज के अपने आप को अपने 10 साल के बाद वाले अपने आप से चेक कर रहे हैं,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक बेंचमार्क। और ग्लोबल बेंचमार्क तो वो होता है जिसमें अपन ना अपने अपना जो प्रोडक्ट है इंडिया में, वो इंडियन प्रोडक्ट को अपन ग्लोबल मतलब इस दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट है मतलब जो हमारी इंडस्ट्री में फॉल करते हैं उनमें से कंपेयर करते हैं। समझ लो कपड़े का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जैसे कि कोई कपड़ा दुकान वाला है मतलब जो अपना कपड़ा बनाता है, ठीक है, काफी फेमस जो है, ठीक है, वो क्या करता है बेंचमार्किंग की मेरे को पूरी पूरी दुनिया में फैलना है, ठीक है, तो वो दुनिया भर का जो सबसे बेस्ट होगा या फिर जिसके साथ भी उसको लगता है कि यार ये मेरा कॉम्पिटिटर है, तो उसके साथ वो अपने आप को बेंचमार्किंग करेगा मतलब कंपेयर करेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक करो वीडियो को, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, और अगर आप मेरे को बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहते हैं ना तो मैं बताऊँ कैसे कर सकता हूँ, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम लोग तो यार बेंचमार्क तो सोच लिए करना है, अब करेंगे कैसे, ओ भाई कंपैरिजन सोच तो लिया करेंगे बट करोगे कैसे, तो हम लोग प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इजी यार कुछ नहीं है, मतलब प्रोसेस है। अरे प्रोसेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं। अब जब आपको कुछ करना था 12th के बाद तब क्या करते थे, प्लान करते रहते थे मेरे को ये करना है, मेरे को बीकॉम करना है, मेरे को बीबीए करना है, मेरे को एमबीए करना है, मेरे को सीएमए करना है, मेरे को सीए करना है, मेरे को सीएस करना है, क्या करना है, प्लानिंग करना है, कुछ नहीं कर रहे, प्लानिंग कर रहे हो बस तुम, ठीक है। तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद अपन क्या करते हैं, यार अब तो मेरे को यही करना है यही करना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कलेक्ट करते डाटा सोर्सेस में, देखते हैं अपने अंकल जी से पूछ रहे हैं, अपने अंकल के बच्चे से पूछ रहे हैं, यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं, टीचर से पूछ रहे हैं, मेंटोर से पूछ रहे हैं, रिलेटिव से पूछ रहे हैं, अरे तो करे क्या, ठीक है, उसके बाद अपने दिल से पूछ रहे हो फिर वही कर रहे हो, ठीक है, उसके फिर एनालाइज करते हो कि जो लोग ये बोले इन लोग सच में मतलब मेरा भला चाहते हैं, वो जो चाचा का बेटा है क्या वो सच में मेरा अच्छा चाहता है, क्या वो जो मेरे को सजेशन दिया है वो अच्छा होगा, तो अपन अपनी खुद की फाइंडिंग में से उसको एनालाइज करेंगे कि जो है वो क्या अच्छा है सच्चा है ये, उसके बाद फिर अपन फाइनली फाइनल कर देंगे कि हाँ चलो अब तो मेरे को सीएमए ही करना है, मतलब सीएमए फाइनल एकदम। फिर उसके बाद अपन अपने आप को देखेंगे, जब अपना आपका इंटर क्लियर हो जाएगा तो आप देखोगे यार देखो मैंने सीएमए सोचा था, मैं इंटर क्लियर कर ली हूँ, अब मेरे को फाइनल जाना ही है, ठीक है, तो अपने आप को दिन भर आप ऐसे मॉनिटर करते रहोगे और रिव्यू करते रहोगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो गाइस अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है, इसके लिए परक्यूसिट्स है। परक्यूसिट्स ये है कि यार परक्यूसिट्स में अपन को सबसे पहले अपन को कमिटमेंट देना पड़ेगा। कमिटमेंट में अपन ये देंगे कि यार अपन जो जो मतलब जैसे कि अपन थोड़ा सा फॉर्मल हो जाते हैं, तो फॉर्मल होने का ये मतलब है कि यार सबसे पहले अगर आप बेंचमार्किंग कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट किसी के साथ आप बेंचमार्क करो, तो यार सीनियर मैनेजर से तो आप लेना पड़ेगा ना परमिशन, आप सोच रहे हो कि आपको मनाली घूमने जाना पड़ेगा, घर वालों से पूछोगे कि नहीं पूछोगे सबसे पहले, तो ठीक है, तो उसके लिए अपन को सबसे पहले कमिटमेंट करना पड़ेगा और अपने सीनियर मैनेजर अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। उसके फिर क्या करेंगे अपन, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसके फिर हमारे दिल में हमारे मन में क्लियर होना चाहिए कि हाँ हमको यही करना है, हमको घूमने जाना है तो मनाली ही जाना है, ठीक है। उसके बाद अपन स्कोप देखेंगे यार वहां जाएंगे तो जाएंगे कहाँ का, यार अच्छी जगह है कि नहीं, इस मौसम में बारिश होगी कि नहीं, बर्फ गिरेगी कि नहीं गिरेगी, स्वेटर ले जाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब सोचोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना रिसोर्सेस देखोगे यार, रिसोर्सेस में पैसे देखेंगे यार पैसे है कि नहीं यार जाने के लिए, ठीक है। फिर अपने स्किल्स देखोगे यार, उसके फिर कम्युनिकेशन अपने सब पूरे लग सबको बताओगे, अपने दोस्तों को कॉल करते भाई देखो पता है मनाली घूमने जा रही हूँ, पता देखो कितना मजा आएगा, ऐसा वैसा करके मस्त सबको बताओगे। तो फिर अपन बेंच मार्किंग अगर इंडस्ट्री में करते तो कैसे करते हैं, मैं ये समझाती हूँ आपको। तो यार सबसे पहले तो अपन सीनियर मैनेजर का सपोर्ट चाहिए हमको, अगर हमको प्रोडक्ट का अगर बेंच मार्किंग करना है तो सबसे पहले तो मैनेजर हाँ बोलेगा तब तो कुछ हो सकता है, ठीक है। उसके फिर अपन अपने ऑब्जेक्टिव में एकदम डटे रहेंगे, उसमें सटीक रहेंगे, ठीक है। उसके फिर अपन उसका स्कोप समझाएंगे सबको, तब यार कन्विंस करने के लिए उसका एरिया उसका स्कोप बताना पड़ता है। उसके फिर हम बताएंगे कि यार हमारे पास इतने सामान है, इसमें से हम इतना सारा सब कुछ कर सकते हैं, उसमें अपन अपनी स्किल्स लगा देंगे, पूरा जान दे देंगे, और उसके बाद फिर सबको बताएंगे देखो हमने ये काम किया था कितना सक्सेसफुली हुआ है, ठीक है। बट यार डिफिकल्टी तो हर जगह होती है, डिफिकल्टी ये कि यार इतना सब कुछ करने के लिए टाइम बहुत लग जाता है, मतलब टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। अब सीएमए ही कर रहा हो, अब देख लो कितने दिन हो गए, तो फिर टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है कि ना सपोर्ट नहीं मिलता, जैसे कि अगर आप करना चाहते हैं तो हो सीएम है, बट कभी कभी घर वाले सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, एटमॉस्फेयर सपोर्ट नहीं करता, इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करता, कोविड आ गया था, ठीक है,
और फिर जो इम्प्लॉय है ना वो लोग ना अनुकूल करते ही रहते हैं, ठीक है, मतलब वो लोग चाहते नहीं चेंज हो, क्योंकि यार बेंचमार्किंग में अपन को बहुत ज्यादा ऐसे इंथुसियाज्म जोश दिखाना पड़ेगा, हाँ हमको करना है करके, और जो इम्प्लॉय होता है हमको क्या करना है, कुछ भी हो है, हमारा सैलरी तो फिक्स है, हमको तो उसी से मतलब है, पागल लोग ऐसे करके ऐसे सोचते हैं उन लोग, ठीक है, तो वो लोग हमेशा मना करेंगे, छोड़ो ना यार, ठीक है ना, ऐसा टाइप का, ठीक है। फिर पेपर गोल्स, पेपर गोल्स का क्या मतलब होता है कि यार जैसा अपन सोचते हैं ना असलियत में वैसा करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब अपन प्रैक्टिकली सोचते हैं तो, और कॉपी पेस्ट एटीट्यूड आ जाता है यार गाइस, ये वाला एटीट्यूड ना कभी मत लाना। जैसे कि ना क्या होता है, जैसे कि अगर आपको अपने आप को बेंच मार्क, क्योंकि आप समझ लो कि एक एवरेज स्टूडेंट अपनी क्लास के, और आप सोच के रखो कि आपकी क्लास का जो टॉपर है आपको उतना मार्क्स तो लाना ही है अगले पेपर में, तो आप देखोगे कितने घंटा पढ़ता है, 8 घंटा पढ़ता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है, अच्छा 5 घंटा टेक्स पढ़ता है, अच्छा 2 घंटा एस बी एम पढ़ता है, अच्छा फिर वो ऐसा करता है, अच्छा वो वैसे करता है, आप भी कॉपी पेस्ट वैसा वैसा करो। यार ऐसे नहीं करना है, अपना स्ट्रेंथ वीकनेस देखो ना, तुम किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, अगर तुम टेक्स्ट में अच्छे हो तो तुम क्यों 5 घंटा पढ़ोगे उसको, 1 घंटा पढ़ो ना, रिवीजन करो उसका बस, और बाकी जिसमें तुम वीक हो उसको पढ़ो। हम भूल जाते हैं, हम बेंचमार्किंग की दौड़ में भूल जाते हैं कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपना दिमाग भी लगाना है, थोड़ा सा तो दिमाग है यूज कर लो, छोटी सी तो जिंदगी है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये लास्ट टॉपिक कवर कर लेती हूँ आज की क्लास का, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे, ठीक है। बेंच मार्किंग में जो बेंच ट्रेंडिंग होती है ना, ये बहुत सिमिलर होती है, जब अपन एक ही काम जो बेंच मार्किंग का वो कर रहे कर रहे कर रहे 10 साल 20 साल 5 साल हो गया है, तो वो एक ट्रेंड बन जाता है, ठीक है। तो जब वो ट्रेंड बन जाता है तो उसको अपन बोलते हैं बेंच मार्किंग, मतलब बेंच ट्रेंडिंग, ठीक है। इसमें अपन आइडेंटिफाई करते खुद की प्रॉब्लम को, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को, लीडर कौन कौन है, सर्वे करते हैं अच्छे से, फिर बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई होगी तो दोस्तों की मदद करो अपने, जैसे मैं आपकी मदद कर रही हूँ आप दूसरों की मदद करो, आपको खुशी मिलेगी जैसे मुझे मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।